हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. वेलकम इन स्टैंडर्ड फर्स्ट एंड इंग्लिश ग्रामर पीरियड. इन सैटरडे एंड फ्राइडे एंड सैटरडे इंग्लिश ग्रामर पीरियड वी विल टेक सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर. हमारा फ्राइडे और सैटरडे को इंग्लिश ग्रामर का पीरियड हमेशा रहता है. तो लेसन नंबर 24, जॉइनिंग वर्ड्स एंड and but. Today our topic है joining words and or but. इस words से हमें ये जो joining words है इससे जो sentence को joining बनाने वाले words है and or but उससे कुछ sentence हमें solve करने हैं. कहाँ and आता है और कहाँ but का use किया जाता है ये हमें देखना है. तो suppose अमर अनिल आर फ्रेंड्स. फॉर एग्जाम्पल अमर अनिल आर फ्रेंड्स. यहां ज्वाइनिंग वर्ड्स क्या आएगा? तो ज्वाइनिंग वर्ड्स एंड. अमर और अनिल, एंड मीन्स हिंदी में और. अमर और अनिल आर फ्रेंड्स. अमर और अनिल दोनों क्या है? फ्रेंड्स है. तो ऐसे एन का यूज किया जाता है जो सेंटेंस को ज्वाइन करता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? ज्वाइनिंग वर्ड्स. हाउ टू वी यूज बट? एग्जाम्पल ही इज पुअर. ही इज पुअर इन ब्लैंक्स ऑनेस्ट. वो गरीब है लेकिन कैसा है? ऑनेस्ट है. ही इज पुअर बट ऑनेस्ट है. किंतु कैसे एंड और बट का यूज सेंटेंस में किया जाता है अब हम और बहुत सारे एग्जांपल्स देखकर आपको समझ में आएगा कि एंड और बट कैसे यूज किया जाता है. लेट्स वी सी अदर एग्जांपल्स. लेट्स वी सी एग्जांपल इन असाइनमेंट. Complete the following sentence using and but. यहाँ जो sentence दे गए हैं हमें इसमें क्या करना है? And और but का use करना है sentence के meaning के अनुसार. I had an apple. I had an apple. Fill in the blanks. A glass of milk for breakfast. तो इसमें I had an apple. And a glass of milk for breakfast. क्या यूज किया जाएगा? And. Write down AND and in your workbook. Workbook में आपके workbook में sentence दे गए हैं उसमें आप and write down करो. AND and. I had an apple and a glass of milk for breakfast. Apple के साथ और क्या चाहिए? A glass of milk breakfast के लिए. Second is Amit. Fill in the blanks. Anil are friends. Amit and Anil are friends. Amit और Anil दोनों क्या है? Friends है. AND and. Third number का sentence. Sona is tall. सोना क्या है? टॉल है. फिर इन द ब्लैंक्स मोना इज शॉर्ट. तो इसमें क्या यूज किया जाएगा? तो बी यू टी बट. वी कैन यूज हियर सोना इज टॉल. सोना क्या है? टॉल है. बट किंतु मोना क्या है? शॉर्ट है. दोनों में डिफरेंस बताया गया है. तो बट जब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो बट का यूज किया जाता है. सोना कैसे है? सोना टॉल है किंतु मोना शॉर्ट. फोर नंबर द लॉयन इज बिग. लॉयन इज बिग बट लॉयन इज बिग एंड स्ट्रॉन्ग. लॉयन क्या है? बिग भी है और स्ट्रॉन्ग भी है. दोनों इक्वल बातें. लॉयन
बड़ा भी है और कैसा है, स्ट्रॉन्ग भी है। फिफ्थ नंबर का सेंटेंस, द फॉक्स जंप्ड बट ही कुड नॉट गेट द ग्रेप्स। ब्यूटी बट, यू कैन राइट हियर ब्यूटी बट, टू गेट द बोर्ड केयरफुली, द फॉक्स जंप, फॉक्स ने क्या किया, जंप की, बट किंतु ही कुड नॉट, ओ ग्रेप्स हासिल ना कर सका, ग्रेप्स न ले सका, इसमें बट आएगा। फर्स्ट सेंटेंस में एंड, सेकंड में भी एंड, थर्ड में बट, फोर में एंड और फिफ्थ में बट। कॉपी डाउन दिस सेंटेंस इन योर नोटबुक या वर्कबुक होगा आपके पास, तो वर्कबुक में आप ओनली आपको यही फिल करना है, एंड एंड बट एंड बट। लुक केयरफुली, द सन राइजेस इन द मॉर्निंग एंड सेट्स इन द इवनिंग। सन राइज कब होता है, मॉर्निंग को, और सेट इवनिंग। सेवन नंबर, आई कॉल्ड रोहन बट ही डिड नॉट हियर मी। मैंने रोहन को कॉल किया, रोहन को बुलाया, लेकिन उसने मेरी आवाज सुनी नहीं। आई कॉल्ड रोहन बट ही डिड नॉट हियर मी। एट नंबर, द गर्ल्स केम होम एंड ड्रेस फॉर द पार्टी। गर्ल्स घर पर आई और ड्रेस पार्टी के लिए तैयार हुई, ड्रेस पहन के एंड ड्रेस फॉर द पार्टी। नाइन नंबर, द हेयर इज फास्ट। आपने हेयर और टॉर्टाइज की स्टोरी सुनी है, तो हेयर इज फास्ट बट द टॉर्टाइज इज स्लो। टॉर्टाइज कैसे है, स्लो, बट द टॉर्टाइज इज स्लो। अशोक एंड टीना, अशोक एंड टीना लुक अराउंड एंड क्रॉस द रोड। जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो इधर उधर देखते हैं ना, तो अशोक एंड टीना क्या कर रहे हैं, अशोक एंड टीना लुक अराउंड एंड क्रॉस द रोड। यू कैन फील इन दिस सेंटेंस एंड, तो कॉपी डाउन दिस सेंटेंस इन योर नोटबुक और वर्कबुक। Write down homework, solve these given examples in your notebook with filling and but. इस एग्जाम्पल को आपको सॉल्व करना है आपकी नोटबुक में, और किस एग्जाम्पल में एंड आता है और किस एग्जाम्पल में बट आता है, ये डिसीजन लेकर आपको ये होमवर्क में एग्जाम्पल सॉल्व करके बताने हैं, सॉल्व करके सेंड करने हैं। ओके okay?